बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं आपकी मुरीद बात कर रही हूँ, मैरीलैंड से, फातिमा नाम है मेरा। एक तो मैंने आपका बहुत शुक्रिया अदा करना था, मेरे मियाँ बीमार थे, मैंने आपसे पूछा था, आपके बताए हुए वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी, और आपका बताया हुआ अल्लाह के कुर्ब का वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने ऐसा कुर्ब नसीब किया कि उसके बाद अपना घर भी दिखाया, उसकी जियारत भी नसीब की, अपने मियाँ के साथ ही उनकी बीमारी के बाद ठीक होने के बाद, और आपके लिए खसूसी वहाँ पे मैंने दुआ की स्पेशल आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ने मेरे इतने सालों की ख्वाहिश पूरी की, मैं बहुत साल से जाना चाहती थी, तो वो भी आपके बताए हुए वजीफा मैंने पढ़ा, तो अल्लाह ने उसको मुझे ऐसे दिया कि अपना घर दिखा दिया, इससे बड़ा मेरे लिए क्या मेरी खुशनसीबी होगी। तो और कारी साहब, मेरा सवाल मुफ्ती साहब ये था कि मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे मियाँ, अगर ये पूछना था कि टोबैको स्टोर का जो काम है, क्या वो जायज़ है करना, क्या वो हलाल है, हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई, खुशखबरी सुना दी आज आपने, बहुत ही मसरत हुई कि हम तो एक वास्ता बने, जरिया बने, अल्लाह ने अपने कलाम के असरात और बरकात जाहिर फरमा दी, आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह सेहतमंद हो गए और आपको भी अल्लाह तबारक व ताला खुशी दी, और फिर ये कि सेहतमंद होने के बाद फिर अल्लाह ने आप दोनों को अपना घर भी दिखाया, उमरा की दौलत नसीब हुई, तो माशाल्लाह खुशी दर खुशी की बात है, और मेरे लिए ये सदका जारी है, मेरे लिए दोहरी खुशी है कि मेरा बताया हुआ वजीफ़ा जो है वो मुअस्सिर साबित हुआ, और ज़ाहिर वो अल्लाह का कलाम है और मैं एक ज़रिया बन गया, मेरे लिए आपकी खुशी सदका जारिया है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और आपने वहाँ जो दुआएँ मेरे हक में कं अल्लाह उनको भी कबूल फरमाएँ। और बाकी आप बता रहे कि तम्बाकू का जो कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि वो जायज़ है या नहीं, तो बिल्कुल जायज़ है, कर सकते हैं, कोई मज़ाक़ा नहीं, तो उसके अंदर आप वो काम करना, फिर ये उस पर जो आमदनी आपको मिलती है वो आमदनी भी हलाल है। बाकी ये है कि ये कहा जाता है कि अगर उससे और बेहतर कोई अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसको कर ले, क्यों आपको पता है तम्बाकू आमतौर पर लोग जो है गलत खाने गलत आदात में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि इसमें ज़रा सी कराहत है कि ताकि आप जो है कोई काम के अलावा कोई और काम कर लें, लेकिन अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और यहाँ का माहौल मुआशरा ऐसा है कि तंबाकू का काम जो है वो माशाल्लाह खूब चल रहा है और प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है, तो अहले इस्लाम के लिए करने में कोई मज़ाक़ा नहीं, उसकी आमदनी जो होती है ख़ास तौर पर जो प्रॉफिट मिलता आमदनी होती है वो बिल्कुल प्योर हलाल तैयब होती है, उस पर कराहत भी नहीं होती, इसे इस मसले को अच्छी तरह याद रखें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें, लिहाजा अगर ये काम चल रहा है तो बिल्कुल चलाएं और उसकी आमदनी बिल्कुल हलाल और तैयब है।